हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन उसके लिए आप यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें और पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी और पोस्ट बता देती हूँ, ताकि अगर आपके लायक ये वीडियो हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देना, तब आप पूरी वीडियो देखना। तो देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें देखिए पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज देखिए, फुल टाइम में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और पार्ट टाइम में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम सैलरी की बात करते हैं तो 22,000 यहाँ पे पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि जो है 22,000 सैलरी पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी। हमें रहने खाने के लिए फ्री में दिया जाएगा, यानी कि 10,000 आप रहने खाने, यानी कि आपको टोटल 32,000 दिया जाएगा। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षा यानी कि फुल टाइम टीचर के लिए बात करते हैं तो हमें यहाँ पे गणित के लिए 2 निकाली गई, हिंदी के लिए 1 और इंग्लिश के लिए 1 निकाली गई है। इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उच्च प्राथमिक शिक्षक स्तर की टीचर यानी कि टेट एवं संबंधित विषय में प्रशिक्षित स्नातक होने चाहिए। 22,000 सैलरी होगा। आयु सीमा जो 25 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक हमें दिया जाएगा। इसके क्राइटेरिया में हम लोग आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हम अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम टीचर के लिए 5 सीट निकाली गई है, इसमें कि कला शिक्षक के लिए 1, कंप्यूटर के लिए 4। इसमें क्या होना चाहिए, कला शिक्षण, गृह विज्ञान और यहाँ पे कार्य शिक्षा संगीत में कोई एक विषय स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि उच्च प्राथमिक स्तर की टेट अनिवार्य होती है, यानी कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट प्लस बीएड उसके साथ साथ आप टेट क्वालिफाइड होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं हम कंप्यूटर टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कंप्यूटर टीचर के लिए हमें जो है PGDCA होना चाहिए या फिर BCA होना चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस से स्नातक सहित। अगर इसके समकक्ष योग्यता होती है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी मैं बता देती हूँ, 9,800 प्रोवाइड कराई जाएगी, आपका एज लिमिट वही सेम रहेगा। बात करते हैं हम यहाँ पे सहायक रसोईया के लिए, सहायक रसोईया के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। इसमें आप 8 क्लास पास होते हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें हम बात करते हैं सैलरी की, 5,175 आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, एज लिमिट हमारा वही दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे जो कि आपके एरिया में प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा 25-25 रुपए का डाक टिकट लगाकर उसे जमा करना होगा, यानी कि आप लिफाफा लेना होगा। जब आप फॉर्म लोगे तो उसके साथ साथ लिफाफा भी मिलेगा, उसमें 25-25 का डाक टिकट लगा के जमा करना होगा। जितने भी हमारा क्वालिफिकेशन होता है उसके फॉर्म के साथ जीरोक्स भी लगा के वहाँ पे हमें सबमिट करके वहाँ पे उस स्थान के लिए भेज देना होगा। और आपको कुछ क्वेरीज होती है, कोई अपडेट चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैं बता देती हूँ कि वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है, तो ये वैकेंसीज आई हुई है हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय से आई हुई है। किसके लिए आई है तो देखिए, यहाँ पे ये वैकेंसीज कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती से आई हुई है, यानी कि यूपी से वैकेंसीज निकाली गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए, आपको अगर इसका फॉर्म फिलअप करना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं।